स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर आज हम करने वाले हैं कक्षा नौ की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित का कार्यपत्रक नंबर छः स्टूडेंट्स ये रह गया था बीच में तो ये हम करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको बता दूं हमारी इंग्लिश की कार्यपत्रक सारे पूरे हो चुके हैं आपकी इंग्लिश की जो कार्यपुस्तिका है रेमिडियल इंग्लिश की वर्कबुक है वे पूरे हो चुके हैं स्टूडेंट्स अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए हमारे चैनल की प्ले में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे इंग्लिश के तिरसठ तक पूरे हो चुके हैं स्टूडेंट्स अगर आप नहीं देखें जरूर देखें और विज्ञान के भी लगातार डाले जा रहे हैं जल्दी पूरी कर दी जाएगी गणित की पूरी कर दी जाएगी स्टूडेंट्स तो कार्यपत्र नंबर छः स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या है संख्या पद्धति में अपरिमय परिमय संख्या असांत शता जो शांत और अशांत दशमलव आवर्ती जो होती हैं उनको समझना है शांत दशमलव संख्या क्या होती है वह संख्याएँ जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या निश्चित होती है जैसे कि दो पॉइंट पाँच निश्चित है दो पॉइंट पाँच ये ठीक है ये क्या कहलाती है स्टूडेंट्स शांत आवर्ती की दशमलव संख्याएं कहलाती हैं जैसे कि उदाहरण के लिए दी हमें दिया हुआ है इसी प्रकार से अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है स्टूडेंट्स वह दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या निश्चित होती है तथा एक निश्चित अंतराल में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो वह अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाती हैं जैसे कि उदाहरण दिया गया है और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं जिनमें दशमलव के पश्चात अनिश्चित होती है जो संख्याएं होती हैं वे अनिश्चित होती हैं और अंतराल में पुनरावर्ती होती है तो अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं जैसे कि नीचे दिया गया है इसमें आप देखेंगे कि दो तीन जीरो चार फिर दो तीन जीरो चार रिपीट हो रहा है बार बार तो हम दो तीन जीरो के ऊपर बार लगा देंगे तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स ये है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और अनावर्ती में क्या होता है स्टूडेंट्स अशांत अनावर्ती में ये संख्या नम, लगातार बदलती रहती है दशमलव के पश्चात ठीक है तो प्रश्न नंबर एक देखेंगे स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं अपरिमय सॉरी परिमेय संख्या नहीं है तो स्टूडेंट्स सभी परिमेय संख्या हैं तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमय है नहीं है नहीं ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स तो रूट पच्चीस हो जाएगा क्योंकि इसका मान पाँच होता है अगला देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य बताना है स्टूडेंट्स अ है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है बिल्कुल सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं का संग्रह संख्या सभी प्राकृत संख्याएं होती है अगला देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है असत्य है माइनस एक माइनस दो माइनस तीन ये जीन। स्टूडेंट्स पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे हम माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है माइनस दो माइनस तीन किसी भी लिख सकते हैं आप अगला देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है असत्य है ये भी क्योंकि परि मेंय संख्या स्टूडेंट्स माइनस का एक बट्टा दो भी होता है लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से लेके आगे बढ़ती है जीरो एक दो तीन चार से लेकर अनंत तक तो आप तो माइनस का एक बट्टा दो परि संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है अगला देखिए शांत और अशांत दशमलव संख्या क्या होती है प्रत्येक के दो दो उदाहरण बताने हैं स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट देखिए आगे हमने देखा था शांत दशमलव संख्या की परिभाषा लिखी हुई है और उदाहरण भी है और अशांत की भी परिभाषा और उदाहरण दोनों हैं तो आप वहाँ से आप लिख लेंगे अगला देखिए चार बटा तेरह दशमलव प्रसार शांत है अशांत है अशांत है स्टूडेंट्स तो अशांत लिखेंगे अगला देखिए तीन बटा चार के बीच में दो परिमय व दो अपरिमय संख्याओं को ज्ञात करना है स्टूडेंट्स देखिए परिमय संख्या ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स तीन बट्टा चार बट्टा दो है तीन और तीन व चार के बीच में तो दोनों को प्लस करके दो का भाग लगा देंगे सात बट्टा दो हो जाएगा फिर तीन और सात बट्टा दो के बीच में निकाल लो एक तो दोनों को प्लस करके दो का भाग लगा देंगे क्या आ जाएगा तेरह बट्टा है, चार आ जाएगा स्टूडेंट्स अगला देखिए बाईस बट्टा सात को अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में लिखना है स्टूडेंट्स तो बाईस बट्टा सात में भाग लगाया जाता है तो तीन पॉइंट एक चार दो आठ पाँच सात स्टूडेंट्स रिपीट होता है कुछ चेंजेज़ होते हैं लेकिन ये रिपीट मोस्टली होता है तो इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन कार्यपत्रक नंबर छः का इसी प्रकार जुड़े रहिए चैनल से लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद